हेलो दोस्तों, मैं सुदीप कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। तो एडवांस एक्सेल आखिर होता क्या है, चलिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको, आपने कोई ऑटोमेशन किया है और उसके लिए एक सैंपल डेटा तैयार करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम और यहाँ पे हमने मंथ दे दिया और यहाँ इसको ड्रैग कर दिया। तो मेरी क्लासेस में आप जो है एक चीज देखेंगे कि मैं कोई नाम लिखता हूं और नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं। यह ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैंने इस नेम का लिस्ट अपने एक्सेल के अंदर एडवांस एक्सेल के अंदर एक्सेल ऑप्शन के अंदर एडवांस में सबसे नीचे जब आप आते हैं तो कस्टमाइज रिबन होता है, कस्टम लिस्ट होता है। इस कस्टम लिस्ट में मैंने ऐड कर रखा है, यहां देखिए, इसलिए ऐसा होता है। अब मुझे नंबर्स चाहिए तो मैं यहां रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करूंगा, रैंड बिटवीन, और फिर इसको हम ड्रैग कर देंगे तो मेरा सैंपल डेटा बन जाएगा। अब सैंपल डेटा चाहिए क्या होता है? जब हम किसी रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह का डेटा चाहिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो वहां पे मैनुअली जो लिखेंगे उससे अच्छा है कि आप रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करें। उसके बाद मुझे रैंड बिटवीन तो चाहिए, लेकिन मुझे रैंड बिटवीन नंबर भी नहीं चाहिए, मुझे करेक्टर में चाहिए, जैसे कि यस नो, जी हाँ यस नो में चाहिए। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक चूज का फॉर्मूला होता है, चूज। यहां पे हम इंडेक्स नंबर के लिए रैंड बिटवीन लगा देते हैं, रैंड बिटवीन यहां पे 1 2, और फिर यहां पे हम दे देते हैं चूज, यहां पे यस एंड नो चूज के अंदर। फिर इसको हम पूरे सीट पे ड्रैग कर देते हैं लोकेशन, तो रैंडमली आप देखेंगे यस नो आ गया, इसका कोई पैटर्न नहीं। मैं कहीं पे डबल क्लिक करूंगा तो ये अपने आप को चेंज कर देगा इस तरह। लेकिन मुझे रैंडम नंबर में यस नो नहीं चाहिए, मुझे एबीसीडी के अल्फाबेट चाहिए, एबीसीडी का अल्फाबेट होना चाहिए। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, आप यहां पे कैप्स में ए को लिखे और यहां पे आप कोड का फॉर्मूला लगा तो 65 आता है, और कैप्स में जेड को लिखे तो क्या आता है 90। मतलब कि मैं यहाँ कैर फॉर्मूला का दूंगा, कैर नंबर को 65 डालूंगा तो ये ट्रैक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे कैर के अंदर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा और यहाँ हम दे देते हैं 65 to 90। अब इसको हमने कॉपी कर लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए या सेलेक्ट करके कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर कर, तो देखिए रैंडम अल्फाबेट आ गया। तो इसका यूज यही नहीं होता है, हम जैसे आप क्रॉस टीम क्रॉस लिस्ट टीम में होता है कि क्रॉस चेक टीम में है, क्यूसी टीम में है या फिर एनालिटिक्स टीम में है। अब आपको किसी एरर को एनालाइज करना है कि आपका रिपोर्ट सही है नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सेल्स है, सेल्स आईडी है, आईडी यहां पे सेल्स है और यहां पे हमारा नेम है, सेल्स को दरख देता हूं, नेम को दरख देता हूं, और यहां से आईडी नंबर हमने यहां पे दिया हुआ है, बहुत सारा आईडी नंबर है, या फिर नहीं है तो सीक्वेंस नंबर जनरेट कर दीजिए आप। अब बॉस ने बोला है कि इसमें से हमें मैंने कि चेक करके बताइए कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है। अब इतना सारा रिपोर्ट को एक एक करके चेक करना जरूरी नहीं,
तो बॉस ने बोला कि आप 10 ऐसी रैंडमली चेक कर लीजिए, 10 जो है रैंडम चेक कर लीजिए। तो 10 रैंडम चेक कैसे होगा? तो इसके लिए यहां पे हम आईडी नंबर देते हैं और नेम देते हैं और यहां पे सेल्स देते हैं। रैंक बिक्री का फॉर्मूला अब यहां पे जैसे कि एक से लेके कितना है 237, मैं यहां पे रैंक बिटवीन के अंदर 1 से लेके 237 डाल दिया और इसको 10 चाहिए 11 हो गया, 10 के नीचे हम यहां ब्लैंक कर देते और देन वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां लुकअप करते 1, 2, 3 हमारा 0 और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते। अब ये फॉर्मूला में यहां पे 3 में 2 हो गया। अब यही फॉर्मूला हम नीचे की तरफ डाल देते। तो सिंपल मेथड है लेकिन उसको हम अपने हिसाब से जब इसको कस्टमाइज करते हैं तो हमारा वो एडवांस एक्सेल आ जाता है। सिंपल मेथड है और जब उसको हम सिंपलाइज करते हैं तो आपका एडवांस एक्सेल आ जाता है। दिस इज एडवांस एक्सेल। तो आप हमारे साथ अगर सीखना चाहते हैं तो लाइव जूम के थ्रू अब लाइव मेरी क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव जूम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पेन ड्राइव मेरी परचेज कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ मोबाइल ऐप पे जाके सीख सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल ऐप पे जाके देखिए, ये हमारा 3000 का कोर्स फिलहाल ऑफर है, तो कोर्स ज्यादा हमारा 4500 का है बट 3000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है तो डिस्काउंट का लाभ उठाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप डाल रखा है, वहां पे ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसकी वीडियोज आप देखिए। इसमें मैंने तकरीबन 133 वीडियोज अपलोड किए हुए और ये वीडियोज इसमें अपलोड होते जाते हैं। जी हाँ, 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है इसमें, 2 साल आपके टाइम ड्यूरेशन से ले सकते हैं। यहाँ पे कोर्स ऑफलाइन है, कोर्स ऑफलाइन को देखिए। तो इसका जो डाउनलोडिंग लिंक है, ये डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर इस ऐप पे जाके मेरी वीडियोज लेक्चर को परचेज कीजिए। वीडियो लेक्चर अभी आप परचेज करते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, आपको मिलेगा लाइव टेलीफोनिक सपोर्ट। यहाँ ये चीज कोई नहीं देता, कोई भी यूट्यूबर अपना नंबर शेयर नहीं करता है, मैं नंबर शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं मेरी इस मोबाइल नंबर के थ्रू। तो आप जूम के थ्रू मेरे साथ लाइव क्लासेस लीजिए या फिर मेरी पेन ड्राइव को परचेज कीजिए या फिर मोबाइल ऐप के जरिए आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो जाइए। मोबाइल ऐप में फायदा होगा कि जैसे जैसे वीडियो अपडेट करूंगा, जैसे मैं कोई नया टॉपिक मिला तो मैंने बनाया और उसको अपडेट कर दिया तो आपके नाम आपके मोबाइल ऐप में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। पेन ड्राइव में नहीं करता है रिफ्लेक्ट, क्योंकि पेन ड्राइव तो हार्ड है, मैंने दे दिया उस समय तक का जो डेटा है मैंने आपको दे दिया, बट पेन ड्राइव मोबाइल ऐप में ऐसा होता है। अभी भी हाल ही में मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मैं गूगल इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज आइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।